हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं सिंपल सी रेसिपी आलू भुजिया, जो कि हम स्कूल में बहुत ले जाते थे। तो इसको सबसे पहले हमें कट करना है इस तरीके से, फिर इसको हमें पतला पतला कट करना है, क्योंकि कटिंग से भी इसका टेस्ट जो है डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं बारीक काट लूँगी सभी को। अब इसको हमें अलग रख देंगे। और यहाँ पे मैंने दो छोटे प्याज लिए हैं, उसको भी लंबा लंबा इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो आलू को हम दोबारा जो है वॉश कर लेंगे और साइड में रख देंगे। फिर एक कढ़ाई गर्म करेंगे, उसके अंदर डालेंगे कड़छी तेल और ज़ीरा और मिर्च। मैंने यहाँ पे डाला था आधा चम्मच ज़ीरा और मिर्च दो। और इसको डालने के बाद फ्लेम को लो कर देना है। जब वो लाल हो जाएगा ज़ीरा और मिर्च, फिर उसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, सीधा हम आलू डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें 5 मिनट तक कुक करना है ढककर। तो जब 5 मिनट बाद कुक हो जाएगा, तब हमें फ्लेम जो है लो कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये पक ना जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। और बीच बीच में हमें इसे चेक भी करते रहना है और मिलाते रहना है, ताकि ये अच्छे से इवनली कुक हो जाए। नेक्स्ट हम 10 मिनट्स के बाद इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और अगर आपको थोड़ा गरम मसाला भी डालना है तो वो भी ऐड कर दें। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब अच्छे से मसाला मिक्स हो जाएगा, तब हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो हमारी भुजिया जो है रेडी हो चुकी है। अब लास्ट के 2 मिनट इसे हमें इस तरीके से फैलाकर थोड़ा सा और भूनना है, बट ढकना नहीं है इस टाइम पे। इससे जो भुजिया है थोड़ी क्रंची हो जाती है। तो इसी तरीके से बीच में थोड़ा सा मिक्स भी कर देंगे और अब गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। तो भुजिया के साथ बचपन में जो टिफ़िन में रोटी मिलती थी, या तो तिकोने वाले पराठे, तो मैंने यहाँ पे पराठे भी फटाफट बना लिए। इसी तरीके से तिकोन वाले पराठे बनाने हैं। तवे पे डालकर इसको अच्छे से घी या तेल में फ्राई कर लें, मतलब पका लें। और हमारा जो बच्चों का फेवरेट लंच होता है वो रेडी हो गया है। आई होप आपको पसंद आए, इसको ज़रूर ट्राई करें। और आपकी फेवरेट लंच की रेसिपी कौन सी है जो आप टिफ़िन में ले जाते थे, उसको भी ज़रूर बताएं। तो हमारे पराठे भी तैयार हो गए।